खबर शिवपुरी से है, जहां 5 जनवरी को श्रीमान पुलिस अधीक्षक जिला शिवपुरी को विश्वसनीय सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई कि गुना जिले के जामनेर थाने के बूढ़ी वरसत मंदिर धर्मशाला से दिनांक 8 नवंबर 2022 की रात्रि को पत्थर की बनी 2 प्राचीन मूर्ति चोरी की गई थी। उक्त चोरी हुई मूर्ति आरोपी रामहेत यादव पुत्र रामचरण यादव निवासी सूर थाना सिरसीद जिला शिवपुरी एवं सिरनाम रावत पुत्र रमेश रावत निवासी गिरवानी थाना गोवर्धन जिला शिवपुरी का बेचने की फिराक में ले जा रहा था। इस पर से पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल ने घटना को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी कोतवाली अमित सिंह भदौरिया को पुलिस टीम बनाकर चोरी की गई मूर्ति को बरामद करने हेतु आदेश दिया था। इस पर से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण भूरिया एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अनुविभाग शिवपुरी अजय भार्गव के मार्गदर्शन में कोतवाली थाने में आरोपी रामहेत के कब्जे से झिरने वाले मंदिर के पीछे सूट नदी से पत्थर की बनी प्राचीन विष्णु भगवान की मूर्ति जब्त की एवं आरोपी सिरनाम रावत मौके से मूर्ति फेंक कर भाग गया। बड़ी अच्छी सूचना मिली थी हमारे कोतवाली थाना प्रभारी को और एसपी साहब ने टीम बनाई जिसमें हमारे सब इंस्पेक्टर अरविंद शारी और आबिद खान और रिस्पॉन्सिबल हमारे शामिल थे सूखी वगैरह और इन्होंने फिर जाके पता किया तो एक व्यक्ति रामहेत यादव को पकड़ा है जिसके पास में एक पुरानी बहुत अमूल्य मूर्ति मिली है। उसने बताया कि एक और मूर्ति भी वहाँ से उठाई थी उन्होंने। तो ये गुना में जामनेर में 8/11 को चोरी की गई थी और ये अभी इंटैक्ट मिली है और ये विष्णु भगवान की मूर्ति है जो अपने उसमें बैठे हुए हैं काल सर्प पे और निष्णात पे और उसकी बड़ी कीमतें जो है जो हमने बात किया प्रासत वालों से उनका कहना था कि काफ़ी अमूल्य है और इसकी 25 लाख 1 करोड़ के बीच में कीमत इसकी मार्केट में आई और एक अच्छी सफलता मिली। 2 महीने पहले की चोरी थी और ये पता लगा है कि इसमें एक आरोपी हमने पकड़ा है। ये लोग आइडेंटिफाई करते थे कि इस तरह की मूर्तियाँ कहीं पर हैं कहीं पड़ी हैं तो वो उसको टारगेट करके दिल्ली और आगे की तरफ आदेश देते थे। अभी हम एक आरोपी को पकड़ना है तो हमको उम्मीद है कि हमें ऐसा गैंग पकड़ेंगे जिसमें ये चीज़ें और पता लगेगी। वो बात मूर्तियों की कीमत कितनी होगी सर? ये 25 लाख से 1 करोड़ के बीच में बताए हैं। 2 मूर्तियाँ हैं इसमें और ये गुजर पीआरओं के टाइम के आसंतोष बताई गई हैं। अब इनका हम और टेक्निकल उनसे ले लेंगे अभी तो उनको उससे आवास भेजा था उससे ये कीमत आए। कहाँ से जब्त की? ये सूनकर की जगह है हमारे यहाँ वहाँ से और क्षेत्र में कोतवाली क्षेत्र में ये बस सूचना मिली थी। उसका अभी तो फिलहाल ये कहना है कि उसके साथ में जो दूसरा आरोपी है सम्मान करके वो उस तरह की चीजें ज्यादा करता है और लेकिन वो करता है और दिल्ली भेजता है और उसकी बात चल रही थी उसको निकालने के लिए और इसलिए वो रखा हुआ है। पुलिस का दिल्ली भी जो लिखता पेन दिल्ली भी जाने वाले? हाँ बिल्कुल, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि सारी चीजें लिंक पता लगे उसके आरोपी को पकड़े और इसमें और कौन लोग इन्वॉल्व हैं इन्होंने पहली कौन सी वारदातें की हैं इस सब के बारे में भी पता करें। टीम को सर इनाम भी दिए क्या? टीम को इनाम 5,000 रुपये का इनाम।